हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 14 तक मैंने आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ करा दिया है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने CW में और टेक्स्ट बुक में ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अभी शुरू के मतलब नज़दीक के समय में ही स्कूल शुरू होने वाली है। तो फिर मैं चेक भी करूँगी और आप सब कुछ कंप्लीट कर लेना। ये चैप्टर नंबर 15 अभी हम समझ रहे हैं। ये चतुर टॉम है। टॉम नाम का जो एक लड़का होता है बहुत शरारती होता है, और उनकी शरारतों से तंग आकर उनकी पाली मौसी है उसे चार दीवारी पर पुताई करने का जिम्मा सौंपती है। पर ये इतना चतुर होता है कि वो अपना काम चतुराई और समझदारी से दूसरों से कैसे करवा लेता है। और वो बच्चे सिर्फ पुताई ही नहीं, उसके लिए उनकी मनपसंद उपहार भी लाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा रीडिंग और एक्सप्लेनेशन में आप अच्छे से समझना। ये एक विदेशी स्टोरी मतलब जो है उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, इसलिए उसके जो नेम्स है मतलब वो उसी के जैसे थे वैसे ही रखे हैं। चलिए, ये विश्व की महान कृति है, बहुत अच्छी वाली एक कृति है। लेसन नंबर 15, 15 चतुर टॉम। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी बुढ़ी पाली मौसी के पास रहता था। पाली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर मुस्कान भी आ जाती थी। एक टॉम नाम का लड़का था, बड़ा ही नटखट और शरारती था, मस्तीखोर था। वो अपनी बुढ़ी मौसी पाली मौसी के साथ रहता था। वो उसकी शरारत बच्चे ऐसे होते हैं ना, शरारत इतनी करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने जो एल्डर्स मतलब होते हैं वो उनकी शरारतों से तंग आ जाते हैं, उसे उसकी बातों में कंटाला आ जाता है ये सब देख कर। तो उनकी शरारतों से पाली मौसी बहुत तंग आ जाते थे, पर वो कभी ऐसे ऐसे चतुराई करता कि वो देखकर उसकी मौसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। पर एक दिन पाली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी, उसे घर की बड़ी सी चार दीवारी पर पुताई करने का काम सौंपा गया। जो वाइट वॉश होता है ना, अभी घर का जो कलर करवाना जो होता है वो मतलब ऐसे पुताई करने का काम टॉम की मौसी ने उसे दे दिया, चार दीवारी पर पुताई करने का काम सौंप दिया। क्योंकि वो एक दिन तो बहुत उसको परेशान उसकी मौसी को करके रख दिया, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसे ऐसा कह दिया कि अभी तुम्हें ये चार दीवारी के ऊपर पुताई करना है बस। शनिवार का दिन था, हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चार दीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते हुए इसे बिताऊंगा? आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शनिवार का दिन था, मतलब शनिवार का दिन था, डे जो होता है वो शनिवार था, और सुबह थोड़ी थोड़ी गुनगुनी थी, धूप की मुस्कान बिखरी हुई थी, मतलब बहुत अच्छी सुबह की गुनगुनी सी धूप होती है वो थी। और टॉम अपने हाथ में क्या हुआ, उसके हाथ में कलर के यहाँ पर देखिए एक बाल्टी और उसके हाथ में ब्रश था, और वो ऐसे सोच रहा था
कि ये क्या इतना अच्छा मौसम है और आज शनिवार का दिन है, तो मैं क्या पूरा दिन पुता ही करता हूँ हुए बिताऊँगा कि मैं कुछ करूँगा। वो सोचने लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी घर का नौकर जीम हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए वहाँ से निकला। ये देखिए जीम है, उसके हाथ में पानी की बाल्टी है। टॉम ने उसे प्यार से बुला कर कहा, सुनो जीम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। जिम नाम का जो उनका नौकर था वो घर के लिए पानी की बाल्टी में पानी भरने के लिए जा रहा था, तो टॉम ने उसे क्या कहा कि लाओ, सुनो जिम, तू एक काम करो, तू ये पुताई करने का काम कर और मैं पानी ला कर देता हूँ। देखो इतनी ऐसी ऐसी टैलेंट कितने लोगों में वो भी होती है कि वो जो हार्ड वाला काम होता है वो दूसरों को सौंप देता है और जो इजी होता है वो खुद करने लगते हैं कि तू ये कर ले, मैं ये कर लेता हूँ ऐसे करके। तो टॉम ने जिम से क्या कहा कि मैं पानी ला कर देता हूँ, तू ये पुताई करने का काम करना, तुझे ये पुताई करने का काम करना है। वह टॉम के बहुत कहने पर पुताई के काम में लगा, पर तभी सामने से पाली मौसी आती दिखाई दे गई, इसलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा और टॉम फिर उदास भाव से पुताई में लग गया। पर अभी भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। देखो क्या हुआ, उसने जब ये सोचा कि मैं पानी की बाल्टी भर के आता हूँ और ये जिम को कैसे भी करके उसने पुताई करने के काम में लगाया, कितना भी बोल के कुछ भी करके उसने ऐसा पाली मौसी को पानी भरने उसने ये जिम को पानी भरने के लिए कि मैं पानी भर के लाता हूँ और तू पुताई कर ले, ऐसे करके उसको मना लेता है। पर क्या होता है कि तभी उसकी मौसी सामने से दिखती है, तो उसको ऐसा लग जाता है कि अभी तो मौसी मुझे देख लेगी तो मुझे और भी डांटेगी, तो वो खाली बाल्टी लेकर भागने लगता है। और फिर टॉम फिर उदास भाव से, उसको तो अच्छा नहीं लग रहा था फिर भी के उदास भाव से वो पुताई के काम में लग जाता है। पर अभी भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी, वो ऐसे ही सोच रहा था कि मैं पुताई करने का काम किसी और से करवा लूँ, तो अभी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। चलिए बेटा अभी आगे पढ़ते हैं। कुछ देर बाद बेन रॉगर्स सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहाँ आया। उस समय पर टॉम चहर दीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था। बेन रॉगर्स नाम का एक लड़का वहाँ से निकला सेब खाता हुआ, और बच्चे तो ऐसे घूम घूम के ऐसे करते हैं ना कि मैं जैसे स्टीमर चला रहा हूँ ऐसे करके उछलता कूदता वहाँ से निकलता है। तब तक क्या होता है कि एक चहर दीवारी की एक हिस्से की पुताई तो उसने कर ली थी, पर वो एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। बेन रोगस नाम का जो लड़का था उसने सहानुभूति से उसको कहा कि बेन, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम, तुम इसे काम कहते हो? अरे यह रोज रोज चहर दीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? मैं तो इतना खुश हूँ इतना कि तुम्हें क्या कहूँ। वो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि ये पुताई करने का काम तो हर किसी को मिलता भी नहीं है और मुझे मिला है ऐसा मौका
तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब वो ऐसे चाहता रहा था कि मुझे तो ये काम करने के लिए बड़ा मजा आ रहा है। जब बेन रॉगर्स ने मतलब उसे कहा कि आज क्या है, तुम्हें तो काम करना पड़ रहा है, तो उसने बोला इसे ये थोड़ा काम होता है, इसे तुम काम कहते हो? ये तो किसी को भी इतने चार दीवारी पर पुताई करने का काम मिलता भी नहीं है, मुझे मिला है तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। बेन को लगा काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का यह मौका मिल जाए। उसने बड़ी मनोहर करते हुए कहा, टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना, देखिए यहाँ पे ऐसे पुताई करने की हुई है। बेन रॉगर्स नाम का लड़का है, उसको ऐसा लगता है कि ओ हो ये तो बहुत ही अच्छा काम है और मुझे तो कभी ऐसा मिलता ही नहीं है। तो उसने बड़ी आशा लगाकर बड़े मनोहर करते हुए उसने कहा कि टॉम मुझे भी दो ना पुताई करने का काम, थोड़ा मुझे तो भी करने दो। अगर हम किसी को ये कहते कि बड़ा ये तो अच्छा वाला काम है और किसी को मिलता ही नहीं है, तो सबको ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे भी ऐसा काम करने का मौका मिल जाए तो। वो बड़ी मनोहर करते हुए उसे कहता है कि मुझे भी तो करने दो थोड़ा थोड़ी सी पुताई। आम टॉम के नखरे दिखाने की बारी थी। बोला, बेन क्या कहूँ, पाली मौसी नहीं मानती है, यह जिम भी पुताई करना चाहता था और सीट भी, पर मैंने साफ मना कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेगी। अभी तो उसको ऐसा लगा कि मैं ऐसे बोल बोल के तो सबको ये पुताई करने के लिए कह सकता हूँ कि सबको ये मौका कैसे मिल कहाँ मिलता है। तो उसने ऐसा बोला कि ये तो बेन तुम्हें मैं क्या कहूँ, बेन रॉगर्स को कहता है कि बेन तुम्हें मैं क्या कहूँ, पाली मौसी तो मानती भी नहीं है और यहाँ पे जिम और सिड नाम के दो लड़के वो भी पुताई करना चाहते थे पर मैंने उसे साफ मना कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेगी। मतलब मैं इतना ठीक से काम करना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो पाली मौसी मुझे डांटेगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया, देखो टॉम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी और हाँ बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दूंगा। देखो अभी ये बेन रॉगर्स नाम का लड़का उसे क्या कहता है कि मैं तो तुम्हें बड़ी विनम्रता से ये पुताई करके दूंगा और इतनी ठीक से पुताई करूंगा कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा और तुम्हें अपना सेब भी दूंगा, मतलब कि अपनी पसंद की चीज़ जो है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। टॉम अपने शब्दों से उसको इतना मना लिया कि उसको ऐसा लगा कि किसी को भी ये पुताई करने का काम तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मैं थोड़ी पुताई भी कर लूँगा और इसके बदले में मैं टॉम को अपना सेब भी दूंगा। चलिए बेटा अभी ये वीडियो में यहाँ तक ही आपको भेजती हूँ, यहाँ से आगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूंगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए ये आपको यहाँ तक समझ के आप लर्न करके आपको मतलब समझने की कोशिश करना है कि टॉम नाम का एक लड़का होता है वो अपनी पाली मौसी के साथ रहता है, पाली मौसी उनकी शरारतों से तंग आकर उसे पुताई करने का काम सौंपती है, तभी वो इसे सोचने लगता है कि इतना अच्छा मौसम है मैं क्या पूरा दिन पुताई करके बिताऊंगा ये दिन। तो वो ऐसे अपने अपने शब्दों से दूसरे बच्चे को ऐसा मना लेता है कलर करने के लिए कि तुम कलर करो, ये किसी को चांस भी नहीं मिलता, मुझे मिला है तो
तो सब बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं और बेंड्रोगर्स नाम का लड़का तो उसे सेब देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और उसी तरह ये लास्ट तक आप बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।